यार दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ आलू चॉप। तो ये हमारा आलू बॉयल है, बॉयल किया हुआ आलू हमारा रेडी है। ये एक प्याज दे रहे हैं, बड़ा सा प्याज, लहसुन दे रहे हैं एक लहसुन पूरा, आपको कली एक लहसुन देना है, गोटा लहसुन छिलकर छोटा सा, और एक हरा मिर्च डाल रहे हैं। अब इसको हम मैश करेंगे, उसके बाद इसमें मसाला ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों, गिलास से हम मैश कर रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में हाथ ज़्यादा लगाने से आप बचें, और जुगाड़ है नहीं कुछ तो जुगाड़ गिलास का ही बनाए। अब इसमें हम जो है नमक ऐड करेंगे, इसमें आधा चम्मच हम नमक ऐड किए हैं स्वाद अनुसार। थोड़ा सा काला नमक डाल रहे हैं और हम अजवाइन डाल रहे हैं एक छोटा चुटकी, मंगरेला डाल रहे हैं, काली जीरे जिसको बोलते हैं, और इसमें हम ये सारे मिलाएंगे, धनिया पत्ता, प्याज, लहसुन, अदरक, सॉरी अदरक नहीं डाल रहे, मिर्ची डाल रहे। दोस्तों हमारा चोखा रेडी हो चुका है, इसको मिला दिए हैं। अब इसको हम बेसन बेसन में हम लोग इसको बनाएंगे, बेसन का हम पेस्ट बना रहे हैं। बेसन हम करीब 100 ग्राम 150 ग्राम डाल रहे हैं, वो आप क्वांटिटी के हिसाब से जितना आपको खाना उस हिसाब से बना सकते हैं। ऐसे 100 से 150 ग्राम हम बेसन डाल रहे हैं। इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, हल्दी थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, धनिया पाउडर हम ऐड कर रहे हैं 1/4 चम्मच, और 1/4 चम्मच हम कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं। देखिए हम इसका पेस्ट जो है बेसन का पतला ज़्यादा नहीं रहेगा, गाढ़ा ही रहेगा, इसको हम रेडी कर रहे हैं। अच्छे से मिलाना है इसको, इसमें गुलठी नहीं पड़ना चाहिए, अच्छे तरीके से इसको फेंटना है। दोस्तों हमारा पैन गर्म हो चुका है, इसमें हम सरसों तेल डालेंगे। आपको अगर रिफाइंड में खाना है तो रिफाइंड में खाइए, घी में खाइए, बटर में खाइए, लेकिन जो है सबसे बेस्ट सरसों तेल होता है। सरसों तेल से बेस्ट कोई चीज़ नहीं होता है, सरसों तेल ही खाना चाहिए, आप लोग भी खाइए। गर्म होगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू टिक्की, हाथ पे लेके इसको आप गोल भी बना सकते हो थोड़ा सा इस टाइप का। उसके बाद इसमें बेसन लगा के इस तरीके से और इसमें डालना है। It will take next 2 minutes more. साथ में मिर्च का पकौड़ा भी ऐड कर सकते हैं अगर मिर्च खाना आपको मिर्च पसंद है। मुझे मिर्च पसंद है इसीलिए मुझे याद आया कि एक मिर्च का पकौड़ा भी बना ले। एक मिर्च को मैंने बीच से चीरा लगाया और इसको बेसन में लपेटा और इसको जो है डाल दिया। इसको जो है थोड़ा आपको 2-3 मिनट तक रखना है जो कि नीचे से सही पक जाए, जलना नहीं चाहिए, आपको बीच में देखना होगा। 2 मिनट तक आपको जो है कम आँच पे, 2 मिनट के अंदर भी आप इसको पलट सकते हैं। हमारा एक साइड हो चुका है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, नेक्स्ट टाइम हम भी ध्यान देंगे। देखिए दोस्तों, जितना तेल डाले थे तेल भी इसमें जो है सूख चुका है, तो उसी साथ तेल डालिए इसमें जो है। आप नॉन स्टिक के बर्तन में बनाइएगा तो ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप कम मात्रा तेल में आप यूज इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं। आलू चॉप रेडी है, तो आप जो है मार्केट का खाना मत खाइए, लॉकडाउन में बैठे बैठे क्या करोगे, यही सर ट्राई करो, बनाओ, खाओ, स्वादिष्ट, सेहत अपना ध्यान दो भाई लोग। तो हम लोग जो है 2 लोग हैं, हम लोग अपना प्लेट में ले रहे हैं और जा रहे हैं खाने। आप लोग भी ट्राई करो, बनाओ और खाओ और हमें बताओ कैसा बना। मिर्ची हम लोग एक ही ट्राई किया क्योंकि बस एक बंदा थोड़ा स्वीट है तो मीठा ही खाता, तीखा नहीं खाता है, हम तीखा खाते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।